दोस्तों आज मैं प्लेजेंट पार्क के मेट्रो स्टेशन के पास में खड़ा हूँ और यहाँ पर एकदम हाईवे टच प्रॉपर्टी और मेट्रो टच प्रॉपर्टी आपको मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ से आप देखेंगे तो सीधे फ्लाईओवर जो है वो भी आपको मिलता है और मेट्रो की कनेक्टिविटी भी मिलती है। यहाँ से अगर मैं देखूँगा तो मुझे सीधे सीधे आपको यहाँ से वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे भी मिल जाता है। सी अक्सर लोगों ने देखा है कि एक अच्छा प्रॉपर्टी चाहिए जिसमें कि सारी चीज़ें अवेलेबल हो। 23 स्टोरी के बिल्डिंग विथ ऑल एमिनिटीज, 1 BHK एंड 2 BHK, 1 BHK 470 का एरिया और 2 BHK 620 का एरिया, ये सारी चीज़ें आपको मेरे प्रोजेक्ट में जहां मैं दिखा रहा हूं यहां से मात्र 10 कदम की दूरी पर आपको प्रोजेक्ट मिल जाता है। दोस्तों अक्सर देखा गया है कि आजकल लोग सिर्फ वीडियो बना लेते हैं और लोग उनको फ़ोन करके पहुंच जाते हैं, ना तो उन्हें प्रोजेक्ट की समझ होती है, ना तो प्राइस की और ना ही तो लोकेशन की। सो मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक अच्छा प्रोजेक्ट जहां पर स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, क्रिकेट टर्फ और तो और एक अच्छा बिग कारपेट और रेप्यूटेड बिल्डर। तो आइए दोस्तों हम चलते हैं अपने 1 BHK और 2 BHK के फ्लैट में। आइए आप हमारे साथ में, हम आपको ले चलते हैं प्रोजेक्ट की तरफ। सो मेट्रो स्टेशन के बाद मैं जैसे ही अपने कॉम्प्लेक्स में आ चुका हूँ, ये कॉम्प्लेक्स कम से कम 20 से 21 बिल्डिंग का कॉम्प्लेक्स है दोस्तों। ये कॉम्प्लेक्स में आपकी जितनी भी घरेलू सुविधाएं हैं इसके आसपास में मिलती है और तो और मेरा बिल्डिंग भी इसी कॉम्प्लेक्स में है जिसमें कि 23 स्टोरी का टावर है। दोस्तों यहाँ पर रिक्शा, बस स्टैंड, आप जैसे ही निकलते हैं आपको उसी के नज़दीक में आपको ये मिल जाता है। सो आइए दोस्तों, ये रहा पूरा कॉम्प्लेक्स का एरिया। यहाँ पर गार्डन और काफ़ी बड़े बड़े रोड्स यहाँ पर दिखाई देते हैं और इसी के साथ में मैं ले चलता हूँ 1 BHK और 2 BHK के। तो कॉम्प्लेक्स, गार्डन, ऑल एमिनिटीज और तो और दोस्तों मेट्रो स्टेशन, फ्लाईओवर, बच्चे चलकर स्कूल जा सकें, बच्चे चलकर एक मॉल जा सकें, बच्चे चलकर वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे जा सकें, पूरी फैमिली जब भी जहां चाहिए कनेक्टिविटी के तौर पे बहुत ही बढ़िया ये प्रोजेक्ट मैं आपको लेकर आया हूं। तो चलते हैं हम सीधे अपने प्रोजेक्ट की तरफ। ये सारी चीज़ें दिखाने का एक ही मतलब है कि आपको चीज़ें पता चले कि प्रोजेक्ट हमारा ये कैसा है। आइए ले चलते हैं हम अपने प्रोजेक्ट की तरफ। अक्सर हम आपके लिए नई से नई प्रॉपर्टी लेकर आते हैं और कोशिश होती है कि जो कनेक्टिविटी है उसके आसपास की जो 1 BHK और 2 BHK का फ्लैट है वो हम आपके लिए ले आते हैं। दोस्तों ये 2 BHK का जो फ्लैट है वो L टाइप में है, 23 स्टोरी का ये बिल्डिंग है, इसमें 1 BHK 470 और 2 BHK 620। मैं जो आपको दिखाने वाला हूँ वो दिखाने वाला हूँ 620 का एरिया। दोस्तों 620 का एरिया आपको यूजेबल है, मोस्ट ऑफ दी बिल्डर्स के आप फ्लैट देखते हैं तो आपको काफ़ी छोटे लगते हैं। ये चाहूँगा कि आप फ्लैट देखिए, आपको काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी अच्छा फ्लैट दिखेगा। यहाँ पर डाइनिंग टेबल का एक एरिया आपको मिल जाता है। दोस्तों मेरे साथी से कहूँगा कि वो दोनों कोने में जाकर दिखाएं कि इसका एरिया कितना बड़ा है। अगर आप मेट्रो के नज़दीक, अगर आप शॉपिंग मॉल के नज़दीक, अगर आप हॉस्पिटल के नज़दीक और स्कूल के नज़दीक और तो और अगर आप वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के नज़दीक 2 BHK और 1 BHK फ्लैट देख रहे हैं तो मुझे ज़रूर कांटेक्ट करिए। दोस्तों ये रहा मेरा 2 BHK का हॉल का एरिया। और तो और अब आइए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मॉड्यूलर किचन में मैं आपको क्या दिखाने वाला हूँ। दोस्तों मॉड्यूलर किचन आपको एज इट इज़ करके मिलने वाला है। आप देख रहे हैं कि आपका जो मॉड्यूलर किचन है काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया गया। उसी के साथ में यहाँ पर 3 फीट की बालकनी आपको मिलती है। दोस्तों जब किचन अच्छा होता है और घर की साइज अच्छी होती है तो रहने का मजा ही अलग आता है। तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि हॉल और किचन के बाद मैं ले चलूंगा अपने मास्टर बेडरूम और कॉमन बेडरूम में। आइए दोस्तों इसका कॉमन वॉशरूम दिखाऊं तो वॉश बेसिन आप देख रहे हैं ब्रांडेड फिटिंग के साथ में आपको यहां पर मिल जाता है। अब आते हैं अपने कॉमन बेडरूम की तरफ। कॉमन बेडरूम का एरिया भी जो देखेंगे वो काफी बड़ा एरिया आपको मिल जाता है। दोस्तों अक्सर आप देखेंगे तो कॉमन जो एरिया होता है वो थोड़ा छोटा और बड़ा बेडरूम वो थोड़ा सा बड़ा, क्योंकि मास्टर बेडरूम उसमें होता है, मास्टर वॉशरूम होता है। तो ये रहा कॉमन वॉशरूम। इसकी पैसेज की अगर मैं बात करूं तो इसका पैसेज आप देखेंगे तो
बहुत सारे डेवलपर से ये पैसेज काफी बड़ा है। आइए अब मैं ले चलता हूं अपने मास्टर बेडरूम की तरफ। मास्टर बेडरूम का ये जो एरिया आप देखेंगे, मैं आपको चारों तरफ से दिखाने की कोशिश करूंगा। जब आप आएंगे तो कितने बाई कितने की है आपको हम यहां पर सारी चीजें बताएंगे। वीडियोस में जो दिख रहा है एज इट इज एरिया आपको मिलने वाला है दोस्तों। ये रहा इसका वार्डरोब का एरिया, उसी के साथ में यहाँ पर आपको मिल जाता है मास्टर वॉशरूम। इसकी जितनी भी फिटिंग्स है सब ब्रांडेड फिटिंग्स आपको यहाँ पर मिलती है। दोस्तों क्या जो घर हम ले रहे हैं वो सही है? क्या हम जो घर देख रहे हैं वो सही है? क्या जो घर दिखाने वाला है वो सही है? क्या उसे जानकारी है, प्रोजेक्ट की जानकारी है, प्राइस की जानकारी है? आजकल एक प्रचलन चल गया है कि कोई भी वीडियो बनाए और बस उसके पीछे आप चले जाइए। यहाँ पर आप देखेंगे तो फर्स्ट फ्लोर में एक अच्छी बालकनी यहाँ पर आपको मिल जाती है 2 BHK के फ्लैट में, और यहाँ से जो नज़ारा है पूरे कॉम्प्लेक्स का नज़ारा आपको मिलता है। सो दोस्तों इसकी प्राइस की मैं बात करूँ तो इसकी प्राइस जो है उसके लिए आपको हमें कॉल करना होगा। सो ये रहा 2 BHK का फ्लैट। अगर आप 2 BHK में इंटरेस्टेड हैं तो जरूर मुझे कॉल करिए। राज पाठक राज प्रॉपर्टी एकमात्र ऐसा चैनल पार्टनर है जो कि अच्छी से अच्छी प्रॉपर्टी मीरा रोड में आपके बजट में लेकर आता है। तो फिर मिलेंगे एक नए प्रॉपर्टी के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।